हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फोस्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज मैं आपके साथ इस पूरी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ मनाली टू रोहतांग की जर्नी, और पूरे रास्ते कितने प्यारे नज़ारे आपको दिखते हैं, और इस तरह के नज़ारे जो आप अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई और ही दुनिया है। आप बिल्कुल मतलब पूरे शहर के शोर शराबे से दूर एक ऐसी जगह पे जहाँ से शायद वापस आने का मन ही ना करे। इतनी खूबसूरत जगह आज मैं आपको लेके चलूँगी, और बीच बीच में इस तरह के फॉल्स आते हैं, और ये काफ़ी फेमस फॉल है, राणा फॉल है ये। और यहाँ पे आपकी जो भी कन्वेंस होगी वो ज़रूर रुकेगी यहाँ पर। यहाँ पे आप बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर सकते हैं, इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं, खूब सारी फ़ोटो खिंचवाइए। और आसपास तो आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर लग रहा था। तो अगर बिहाइंड हो इतने प्यारे नज़ारे और हाथ में हो कैमरा, तो डेफिनेटली कैमरा रुकता नहीं। और ये जीवन भैया हमारे साथ में, जिन्होंने पूरा ट्रिप हमें बहुत ही आराम से करवाया। एंड द ब्यूटिफुल व्यू, और ये जो रास्ते हैं, मतलब कहते हैं ना डेस्टिनेशन तो आप पहुंच जाते हो, लेकिन जो रास्ते हैं ना वो हमेशा याद रखते हैं कि आप कैसे कैसे रास्तों से गए थे, क्या नज़ारे आपने देखे थे। और क्योंकि बारिश का टाइम था तो डेफिनेटली थोड़ा सा बीच बीच में आपको कहीं कहीं पे थोड़े ख़राब रास्ते भी मिलेंगे, लेकिन जब आसपास देखते हैं ना वो ख़राब रास्ते कोई मैटर ही नहीं करते। इतना सुंदर, मतलब ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप एक पहाड़ के टॉप को छू के आने वाले हो, बिल्कुल ऊपर पहुंच के। एंड यू कैन सी द रोड्स, रोड्स इतनी अच्छी बनी हुई हैं, इतनी फाइन रोड्स हैं। और जो सबसे प्यारा समा बांधा है ना, वो बांधा है इन बादलों ने। इन बादलों ने तो बिल्कुल दिल को छू लिया, इतने पास से होके गुजर रहे थे ये बादल चारों तरफ। जो इतना सुंदर नज़ारा इन्होंने क्रिएट किया ना, एंड यू कैन सी, मतलब हम लोग इतने स्मूथली जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी कई सारी कार रुकती हैं, या खाने पीने के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि बीच बीच में आपको रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, आपको कुछ कुछ जगह पे मिलेंगे इस तरह से बीच में जहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं। और रोहतांग जाते हुए आपको रास्ते में ही दिखेगा एक पैराग्लाइडिंग पॉइंट है, तो वहाँ से सबसे हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग होती है, विच कॉस्ट अराउंड 3200, 3200 की होती है ये पैराग्लाइडिंग। यहाँ से स्टार्ट होती है और ये सोलांग तक जाती है। और ये रास्ते थोड़े बीच बीच में हमें ख़राब मिले थे, बस एक दो जगह मिले थे, वो भी बारिश की वजह से। ऑब्वियसली लैंडस्लाइड होते रहते हैं, तो बस कुछ जगहों पर इस तरह के रास्ते मिले। अदरवाइज द होल जर्नी इतनी स्मूथ रही, इतनी अच्छी जर्नी रही। मतलब बरसात के मौसम में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि जब मैं 6-7 साल पहले गई थी तब हमने फेस किया था काफ़ी रोड्स ख़राब थे, और बरसात के मौसम में ही गए थे उस टाइम। बट दिस टाइम यहाँ पे बिल्कुल चेंज था। तो पैराग्लाइडिंग के भी अलग अलग पॉइंट्स है, और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये कोई पैराग्लाइडिंग नहीं थी, ये एक वुल्चर था, गिद्ध, बहुत बड़ा गिद्ध। मैंने बहुत ही लंबे समय बाद, शायद 10-15-20 साल बाद, शायद मैंने गिद्ध देखा था कोई यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा था। और ये रास्ते जो है अब हम जा रहे हैं वो है रोहतांग, जो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट है, कि उससे और हाइट पे कुछ भी नहीं है। तो ये रोहतांग का ज़ीरो पॉइंट पे हम जा रहे हैं यहाँ से। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना, वहाँ पे हमें दिखने स्टार्ट हो जाएंगे स्नोई माउंटेन्स। और बीच में ये एक और वाटरफॉल आता है, ये रानी वाटरफॉल है, और ये भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ भी आप रुक के पूरा वाटरफॉल का आनंद उठा सकते हैं। चलिए आगे की जर्नी ज़रा आप थोड़ा म्यूज़िक के साथ एंजॉय करिए, क्योंकि जो रास्ते और नज़ारे होते हैं ना, वो बातों में नहीं ही, वो बस महसूस करने की चीज़ें होती है। सो यू जस्ट एंजॉय द जर्नी। Thank you.
तो यहाँ हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं रोहतांग 0 पॉइंट, यहीं पे गाड़ी खड़ी करके और थोड़ा सा ऊपर को ट्रैक करना होता है, तो थोड़ा सा वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे ये फ्लैग्स लगे हुए हैं, वहाँ तक जाना होता है पैदल। हम आ चुके हैं रोहतांग पास 0 पॉइंट, अभी और ऊपर जाएंगे और अभी हम थोड़ा और आपको वहाँ से व्यू दिखाते हैं जो सबसे ऊपर है। अभी हम वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा बस यहाँ क्या है ना, पेड़ पौधे नहीं है, लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो चढ़ते टाइम थोड़ी सी थकान होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही कि कन्नू पैदल नहीं चल रहा है, वो गोदी मांग रहा है। और यहाँ चढ़ना एक्चुअली आसान नहीं है, बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाती है। टेम्परेचर आई थिंक 2 या 3 डिग्री होगा इस टाइम, यहाँ पर ठंड बहुत है। घोड़े खच्चर यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, तो हम अभी यहाँ से यहाँ तक थोड़ी ऊपर जाएंगे बस। लेकिन सचमुच यार यहाँ पे बड़ी थकान होती है, थोड़ा सा ऊपर आके सांस फूल गई। चलो मैं ऊपर पहुँच के आई कंटिन्यू द वीडियो। यहाँ पे चढ़ना आसान नहीं है, मेरी सांस फूल गई। यहाँ सबको एक दूसरे को तरह इंस्पायर करना पड़ रहा है चढ़ने के लिए, यहाँ बहुत ठंडा है, हालत खराब हो गई यार, बहुत ठंडा है। एक सजेशन मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आपको अस्थमा से रिलेटेड थोड़ी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना इन्हेलर अपनी पॉकेट में रख ले, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी और इस गलती का भुगतान मुझे ये करना पड़ा कि उसके बाद मेरी आवाज़ ही नहीं निकली, क्योंकि मैं बोल रही थी तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा उखड़ रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं धीरे धीरे नीचे उतर रही हूँ और मैं गाड़ी में जाके अपना इन्हेलर लेती हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी अपना इन्हेलर ले जाना। ब्रीदिंग यहाँ पर बहुत टफ हो जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास पेड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कोई पेड़ नहीं है, छोटी छोटी घास है बस, और ब्रीदिंग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो ये चीज़ आपको संभल के चलनी है, अगर आप स्पेशली अगर आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड, सांस से, लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ अपना इन्हेलर, अपनी मेडिसिन जो भी हो वो अपने पास ही रखिए। और यहाँ से हम नीचे उतरना स्टार्ट होते हैं, और ये जो रास्ते हैं ये हमने फर्स्ट टाइम देखे थे, ये रोहतांग से वापस आने वाला जो रास्ता है ये बिल्कुल डिफरेंट रास्ता है, ये वो रास्ता नहीं है जिससे हम आए थे, मतलब जिससे हम रोहतांग गए थे ये वो रास्ता नहीं है, ये दूसरे रास्ते से वापस उतरते हैं। और ये रास्ता हमने पहली बार देखा एंड दिस वॉज सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मैं जितनी जितने वर्ड्स बोलूँ उतने कम है। मैं रोहतांग पे और बर्फ वैसे तो नहीं मिली कि हम मतलब उसे छू सकें या उसके ऊपर ट्रैक कर सकें, घूम सकें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो नज़ारे हैं ना, जो ये बर्फ से ढके हुए पीछे पहाड़ है, ये इतने सुंदर लग रहे हैं कि बस यहाँ आना इतना ही काफ़ी है, इतना मिल गया ना इतना ही काफ़ी है। सच में इतना अमेजिंग व्यू है यार, ऐसा लग रहा है कि कोई और ही दुनिया है। और
कहते हैं ना अबव द क्लाउड्स, तो ये बस वही जगह है। ब्यूटिफुल, मतलब कंप्लीटली एक मेडिटेटिंग प्लेस है ये, जो आपको किसी और ही दुनिया में ले जाता है। ये पूरे पीछे जो पहाड़े सारे बर्फ के पहाड़ है, ये पूरा पीछे बर्फ से ढका हुआ है। और यहाँ पे आके ना किसी माउंट एवरेस्ट से कम वाली फील नहीं है, सच मानो तो ऐसा लगता है माउंट एवरेस्ट ही देख कर आए हो आप। इट्स सो अमेजिंग बादलों को छूते हुए। कन्नू को हमने गाड़ी में बिठा रखा, उसको हमने बाहर नहीं निकाला, बहुत ठंड लग रही है। अभी हम 0 पॉइंट पे जब गए थे रोहतांग पे, वहाँ पे उसको काफ़ी ठंड लगी, इसलिए हमने उसको गाड़ी में बिठा दिया, गरम गरम चाय पिलाई, अभी ठीक है बिल्कुल। और ये हमारे ऊपर बहुत सारे बादल दिख रहे हैं, और ये व्यू तो बॉस टू गुड है। ये देखो पीछे, और यहाँ से हम जा रहे हैं अब और नीचे की ओर, और जितना हम नीचे जाएंगे अब लाहौल स्पीति का एरिया स्टार्ट होता चला जाएगा। तो हम यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ही थोड़ा ब्रीदिंग लेवल अच्छा हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल यहाँ थोड़ा बेटर होने लग जाएगा जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे और जगह आएगी, स्पीति में ही जगह है कोकसार, ये वो जगह आ चुकी है, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ का सारा कुछ बताती हूँ। ये है कोकसार जगह, ये स्पीति के पास में है कोकसार, और ये पूरा कैंपिंग एरिया है, यहाँ पे कैंपिंग होती है। जितने भी ट्रैकिंग एंड कैंपिंग के लिए आते हैं वो तो पूरा एरिया जो पीछे का है पूरा कैंपिंग एरिया है। मैं एक बोर्ड भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन है। और एक बहुत ही सुंदर सा एक वाटरफॉल है, अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और इस टाइम हम रोहतांग से जब वापस आते हैं ना तो हमें ये जगह मिलती है, तो दिस साइड इज कैंपिंग एरिया। और अभी मैं आपको वाटरफॉल दिखाती हूँ। तो ये है वाटरफॉल जो बिल्कुल कैंपिंग एरिया के पास में है। शोर आ रहा होगा बहुत बहुत, वहाँ ऊपर से पानी आ रहा है बिल्कुल। हैंड वॉश करने हैं, अभी पापा को बोलती हूँ वहां से पानी लाएंगे फिर हैंड वॉश करेंगे। वहां जाओगी? मैं पैक कर रखा है इसको। हाँ भी करेंगे। तो अब यहाँ से घूम के हम जा चुके हैं और नीचे, और यहाँ से अब जो रास्ता आएगा आगे जाके ये अटल टनल को ज्वाइन करेगा, और वहाँ से फिर मनाली की ओर हम नीचे उतरेंगे। तो ये जो स्पीति का एरिया है ये फेमस है सबसे ज़्यादा, जो यहाँ होती है आलू और गोभी की खेती। आपने ज़्यादातर मार्केट में सुना होगा कि ये पहाड़ी आलू है, तो ज़्यादा तो जो पहाड़ से आलू जाता है, तो यहाँ पर आलू और गोभी की खेती बहुत होती है, और मटर उन्होंने बताया था कि मटर की खेती। तो ये जो साइड साइड में ग्रीन ग्रीन जितना पार्ट दिख रहा है ये सारा यहाँ पर खेती हो रही है, तो ये सब गोभी और आलू के खेत हैं यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। और रास्ते इतने साफ, इतने नीट एंड क्लीन, कोई गड्ढे नहीं कुछ नहीं, इतने मज़ेदार रास्ते कि गाड़ी ऐसे साएं साएं भागती है यहाँ पे। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, ये रास्ता हमने पहली बार देखा था। और ये अटल टनल का वही रास्ता शुरू हो गया जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया हुआ है, जहाँ हम अटल टनल तक घूमने आए थे। और यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे इनटू द टनल, और टनल से हम निकलेंगे सीधा बाहर। Thank you.
यहाँ पर उछलते कूदते फांदते हम पहुँच चुके हैं सोलांग। तो ये है सोलांग वैली, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये वैली है, चारों तरफ पहाड़ है और बीच में बहुत बड़ा मैदान है। तो बेसिकली यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एक पैराग्लाइडिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, एक वाइट कलर का आपको दूर एक दिख रहा होगा, वहाँ से पैराग्लाइडिंग ये स्टार्ट होती है और ये ग्राउंड पे आके रुक जाती है। तो ये छोटी पैराग्लाइडिंग है विच कॉस्ट अराउंड 700, तो ये 700 की पैराग्लाइडिंग होती है। एक जो सबसे बड़ी पैराग्लाइडिंग जो मैंने आपको रोहतांग से दिखाई थी वो होती है 3200, तो वो यहाँ आके उतरते हैं। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर। तो जो ट्रॉली से घूमने की सुविधा है, ऊपर जाते हैं ट्रॉली में, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जब मनाली में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है ना, अराउंड नवंबर दिसंबर जैन फेब, मतलब जब रोहतांग तक के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग तो होती होती है, और भी जितनी भी स्नो से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है ना, यहाँ पे सब होती हैं। बहुत सारी जो स्नो पे बाइक्स चलती हैं, तो ये सब यहाँ पे होता है, तो लोग उस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ जो ट्रॉली वाला रास्ता है ना, ऊपर की तरफ जाती है ट्रॉली, तो कई लोग शायद इससे जाते हैं और ऊपर से पैराग्लाइड करते हुए आते हैं, कुछ ऐसा भी है यहाँ पर। ऊपर का तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता था। और ये पैराग्लाइडर जो है, ये सबसे बड़ी पैराग्लाइडिंग करके आ रहे हैं जो रोहतांग से आ रहे हैं। तो अब हम यहाँ से चल दिए हैं वापस बैक टू द होटल, क्योंकि जो नेक्स्ट डे है वो हमारा लास्ट डे है मनाली में, और वो लोकल साइट सीन का है। और सच मानिए, आज इतना दिल खुश हो गया था ये सब देख के, इतने प्यारे नज़ारे, ऐसा लग रहा था बस पहाड़ों से ना आज तो बस गले मिल के आए हैं, इतना खूबसूरत। और सच बताएं, पहाड़ जो है ना फील करने की चीज़ होती है, और यहाँ पे फील के साथ भूख भी लगती है, और भूख के लिए आ चुका है हमारा डिनर। तो यहाँ पे रात हो चुकी थी और हमारा डिनर लग चुका है, हम डिनर करके करेंगे आराम। और मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। सो प्लीज़ डोंट मिस द एपिसोड, प्लीज़ वॉच माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय।